स्टार्ट कर रहा हूँ वो कुछ थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ना जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास एरर से रिलेटेड, करेक्शन ऑफ एरर। ठीक है, ये अभी आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा जो टॉपिक है हमारा। हमारा टॉपिक है आज का, वो हमारा टॉपिक है आज का, करेक्शन ऑफ एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, देखें जो एरर्स होते हैं ना हमारे पास, बेसिकली वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बिस्मा अजीज, जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं मुझे, आपने क्वेश्चन नंबर भेजा है 55 और 25 एंड 57। ठीक है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। और ये ओप्पो कोई है, इन्होंने आपने क्वेश्चन पूछा कि सिलेबस कितना रह गया। सिलेबस में हमारे पास ना कुछ ही टॉपिक्स रह गए जो कंप्लीट हमने करने, बाकी हमारा सारा ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। उन टॉपिक्स को, टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ जो हमारे रह गए। एक उसमें, एक तो ये आज का टॉपिक है जो हम आज करेंगे, एरर्स वाला। दूसरे नंबर पर हमारे पास बेसिक थ्योरी है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो मैं साथ साथ आपको करवाता रहूँ, लेकिन ना वो सेपरेट एज अ टॉपिक भी आपको करवाऊँगा। लेबर का टॉपिक एक दफ़ा थोड़ा सा मैंने आपको करवाया हुआ है, लेकिन वो दोबारा मैं आपको करवाऊँगा, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स कर रहे थे तब लेबर का क्वेश्चन आया था, तो उसमें वो मैंने टॉपिक करवाया था, लेकिन मैं आपको दोबारा से वो टॉपिक करवाऊँगा। ये भी एक छोटा सा ही टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। फिर उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स हैं के बारे में है, ये भी एक छोटा सा ही टॉपिक है। सेल्स टैक्स के बारे में, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही हैं, कुछ एंट्रीज हैं और उनके अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो है। फिर प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज हैं और स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लोज हैं। जो बड़ा टॉपिक है आपके, हमारे पास ना वो दो टॉपिक्स ही हैं जो पढ़े हैं। एक तो ये करेक्शन ऑफ एरर्स वाला आज का टॉपिक है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा इससे रिलेटेड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस बिस्मा आपने बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, अभी मेरे पास क्वेश्चंस तो नहीं है। ठीक है, कल की क्लास में अगर आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछ लें तो मैं इसकी फाइल वगैरह डाउनलोड कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी जो सिस्टम है वो डिफरेंट सिस्टम है, इसके अंदर फाइल्स नहीं है। ठीक है, तो ये आप कल क्लास स्टार्ट होगी तो मुझे बता दीजिएगा। और आपके मुझे मैसेजेस आए थे, लेकिन मैं उसको मैं नहीं कर सका, रिप्लाई नहीं कर सका, थोड़ा बिजी था मैं। और उसके बाद आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो हमारे पास ना बेसिकली जो जो आज का टॉपिक है, ये आप देखें, आपको स्क्रीन पे शो शेयर की है मैंने फाइल की, दिस इज रिलेटेड टू द करेक्शन ऑफ एरर्स। करेक्शन ऑफ एरर्स जो है, एरर्स बेसिकली हमारे पास एरर क्या होता है और फ्रॉड क्या होता है। बेसिकली इसमें ना इंटेंशन का डिफरेंस होता है कि आपके पास, आप कोई एरर कर रहे हैं या आप उसमें कोई फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें मैं आपको एक शेयर करता हूँ यहाँ से ना बोर्ड, और उस पे मैं कुछ आपको डायग्राम वगैरह थोड़ी सी बनवा के आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखें जैसे हमारे पास ना जो एरर्स का टॉपिक है, उसमें हमारे पास ना जो एरर होता है, एरर
एरर बेसिकली क्या है? इस पे नहीं लिखा यार, इस पे टाइप ही करना पड़ेगा। इसको रेज करते हैं। अच्छा देखें, जो टॉपिक है वो हमारे पास है एरर्स जो हैं। एरर्स बेसिकली हमारे पास जो एरर्स का टॉपिक है उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। एरर्स जो हैं बेसिकली हमारे पास ना, उसमें जब हम जाते हैं तो उसको हम देखते हैं कि एरर जो है वो उसमें क्या डिफरेंस है और फ्रॉड में क्या डिफरेंस है। दूसरी टर्म जो है वो है फ्रॉड की, ठीक है। ये दो टर्म्स होती हैं। एरर जो होता है, एरर जो है ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिलेट करती हैं मिस स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं। द वर्ड है मिस स्टेटमेंट, ठीक है। इसको जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है मिस स्टेटमेंट, ठीक है। मिस स्टेटमेंट की दो टाइप्स हो सकती हैं कि आप किसी को कहते हैं, जब आपने आगे पढ़नी है स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें समटाइम्स लिखा होगा कि आपकी जो मिस स्टेटमेंट हुई है, ठीक है, किसी चीज़ में। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास ना कोई चीज़ आपने गलत स्टेट की है, या तो वो एरर हो सकता है और या वो फ्रॉड हो सकता है। दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आपने गलत चीज़ स्टेट की, लेकिन जो एरर होता है वो आपके पास ना अन इंटेंशनल होता है। अन इंटेंशनल होता है, जबकि जो आपके पास फ्रॉड होता है उसमें वो आपके पास इंटेंशनल फ्रॉड होता है। एरर अनइंटेंशनल होता है, जबकि फ्रॉड जो है दैट इज इंटेंशनल। अब जो हमारे पास एरर्स होते हैं, फ्रॉड वगैरह ये आप बाद में पढ़ेंगे, ऑडिट में जाके आपके पढ़ेंगे कि फ्रॉड क्या होता है, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास एरर्स होते हैं अन इंटेंशनल, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, जब आप कुछ भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो उस टाइम जो भी आपके पास मिस स्टेटमेंट होती है, जो एरर्स होते हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एरर्स। उन एरर्स की भी आगे दो टाइप्स होती हैं। अब वो एरर्स जो होते हैं उनकी दो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? एक तो एरर्स वो होते हैं जो आपके बुक्स जो उसको ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। एरर्स विच इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एरर्स विच इफेक्ट ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपके कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, हमने पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस जब बनाया था कि डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड किसके इक्वल होनी चाहिए? क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता। डेबिट साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं होती, ठीक है। अब ये क्यों नहीं होती, उसकी रीजन है, फिर आप एरर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एरर्स आपको मिल भी सकते हैं और ये भी हो सकता है कि ना मिले, ठीक है। पहली चीज है कि जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं आएगी, तो आप एरर फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स लगाएंगे, ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अगर वो नहीं बनेंगे, ठीक है, आपको एरर नहीं मिलता, तो फिर क्या करते हैं आप उस सूरत में, आप फिर उसके लिए सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, क्रिएट सस्पेंस अकाउंट, क्रिएट
सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो क्यों क्रिएट किया जाता है, वो इसलिए क्रिएट किया जाता है कि आपको पता नहीं है कि आपके पास ये जो एरर हुआ है को किस जगह एरर है, इसलिए दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो एरर्स होते हैं वो एरर्स होते हैं एरर्स विच इफेक्ट ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। ठीक है, और दूसरे टाइप के एरर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, विच इफेक्ट ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। ठीक है, विच इफेक्ट डू नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। ठीक है, डू नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, ये दूसरी टाइप है, दो टाइप्स हैं एरर के। ठीक है, अब जो एरर्स होते हैं, अब कौन कौन से एरर्स हैं जो आपके पास ना ट्रायल बैलेंस को जो है वो एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करते, मतलब वो एरर एग्जिस्ट भी कर रहे होते हैं फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब इन एरर्स में जो पहला एरर होता है वो एरर ऑफ ओमिशन होता है, दैट इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये होता है कि आप भूल गए लिखना, रिकॉर्ड करना भूल गए, दिस इज द फर्स्ट एरर, दिस इज फर्स्ट एरर, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या क्या मतलब है कि आप कंप्लीटली ओमिट कर गए, आपने जो ट्रांजैक्शन हुई वो रिकॉर्ड ही नहीं की। फॉर एग्जांपल सेल्स हुई, कैश सेल्स, तो आपकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए, ये थी कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, आपने ये बिल्कुल एंट्री ही पास नहीं की। ठीक है, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स में, आपने परचेजेस की रिकॉर्ड नहीं किया, आपने नॉन करंट एसेट परचेज किए आपने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, दिस इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास ना दूसरा जो एरर आता है उसमें क्या करते हैं, एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। सेकंड टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ कमीशन। जो एरर ऑफ कमीशन होता है और ओमिशन होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन में होता है कि आपने बिल्कुल उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया एरर को। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि जब आप एरर करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो क्लास होती है, क्लास दैट इज करेक्ट, क्लास इज करेक्ट, मतलब आपने क्या करना है, आपने अगर कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया तो उसे आपने नॉन करंट एसेट लिखना है, आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखेंगे, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखेंगे। ठीक है, आप उसको दूसरी कैटेगरी में जाके नहीं डालेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, क्लास करेक्ट है बट अकाउंट इज रॉन्ग। ठीक हो गया, ये इसमें पहली चीज होती है कि आपके पास जो क्लास है वो बिल्कुल करेक्ट है लेकिन क्या चीज है उसमें जो अकाउंट है वो रॉन्ग कर दिया आपने। जैसे कि देखें, आपने गुड्स खरीदी मिस्टर ए से, आपने परचेजेस अकाउंट डेबिट किया, मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, आपने मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट करने के बजाय आपने मिस्टर बी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, आपने परचेजेस अकाउंट डेबिट की और क्रेडिट में आपने मिस्टर बी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, दिस इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन, दिस इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन। इसी तरह आपने क्या किया, आपने नॉन करंट एसेट परचेज किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर परचेज किया तो एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन आपने जब एंट्री की आपने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करने की बजाय आपने मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब हुआ क्या कि आपने लिखा तो नॉन करंट एसेट में ही है क्योंकि आपका फर्नीचर भी नॉन करंट एसेट है, मशीनरी भी नॉन करंट एसेट, बट आपने वो जो नेम था उसको आपने रॉन्ग कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया,
रॉन्ग कर दिया नेम को, ठीक हो गया, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। अच्छा उसके बाद जो आपके पास ना तीसरा एरर आता है ना, थर्ड एरर आता है, दैट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होता है ना, ये बेसिकली आप एरर करते हैं जो हमारे पास रेवेन्यूज और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें एरर। फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज की, तो आपने मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दें या बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दें। आपने मशीनरी अकाउंट डेबिट करने के बजाय आपने मशीनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिए। मशीनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, उसको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, दे आर रिपोर्टेड टू इनकम स्टेटमेंट, वो इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिपोर्ट होते हैं। जबकि जो मशीनरी होगी वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास नॉन करंट एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जाके रिपोर्ट होती है। लेकिन आप क्या करते हैं, क्योंकि आपने उसको एरर कर दिया, एरर करने की वजह से वो क्या हुआ कि आप प्रिंसिपल एरर में क्या किया, आपने उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि आपने एक्सपेंसेस में रिपोर्ट कर दिया। इसी तरह आप क्या करते हैं, आपके पास कोई रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, उसको कैपिटल एक्सपेंस करवा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने रिपेयर करवाई, ठीक है, और रिपेयर को आपने एक्सपेंस ट्रीट करना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में, और आप उस रिपेयर को आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जाके जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनकी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दें। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होता है, दिस इज आल्सो नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल में फिर क्या होगा, आपने क्लास ऑफ अकाउंट इनकरेक्ट कर दिए। ठीक है, क्लास इज इनकरेक्ट, ठीक है, क्लास क्या होगी आपकी, इनकरेक्ट होगी। ये आपके पास तीन एरर है। नॉर्मली एरर ऑफ कमीशन और प्रिंसिपल में कंफ्यूजन होती है, तो एरर ऑफ जो कमीशन है और एरर ऑफ ओमिशन, सॉरी प्रिंसिपल, उनमें क्लास का डिफरेंस होता है। ये आपने याद रखना है कि जो एक जो प्रिंसिपल है उसमें आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल में आप बुक कर लेते हैं, जबकि एरर ऑफ कमीशन में आप कैटेगरी ठीक होती है, क्लास ठीक होती है, लेकिन अकाउंट का जो नेम है वो आप रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज सही लिखा हुआ है, करंट लाइबिलिटी है तो करंट में लिखा हुआ है लेकिन नाम चेंज कर दिया। ठीक है, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं सही लिखे हुए हैं लेकिन नाम एक रिसीवेबल की बजाय दूसरे का सिमिलर नेम था आपने वो लिख दिया। ठीक है, इसी तरह अकाउंट्स पेबल है, ट्रेड पेबल्स, उसमें आपने सही लिखा हुआ है, ट्रेड पेबल्स में ही बुक किया किसी चीज को, लेकिन नाम गलत लिख दिया, किसी गलत टी अकाउंट में जाके आपने उसको डाल दिया। दीज आर नोन एज एरर ऑफ कमीशन। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद जो हमारे पास एरर आते हैं ना, वो एक एरर हमारे पास आता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है कि आपके पास ना एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री फोर एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसका मतलब ये होता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का कि आपने क्या किया, जब ओरिजिनली एंट्री को रिकॉर्ड किया तब ही एरर कर दिया, आपकी जो डॉक्यूमेंट बेसिकली बनी हुई थी वही रॉन्ग बनी हुई थी। ठीक है, आपकी जर्नल एंट्री ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि आपने, आपके पास ना उसके जो डॉक्यूमेंट थी बेसिकली वही पीछे से गलत बन के आ गए, जिसकी वजह से आगे आपने एंट्री करेक्ट की हुई है लेकिन उसमें अमाउंट्स आपकी फिर रॉन्ग आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, हुआ क्यों, जैसे आप देखें आप अकाउंट्स में बैठे हुए थे, सेल हुई, क्रेडिट सेल्स हुई फॉर एग्जांपल 10,000 की, इनवॉइस वन के आगे 1,000 की, आपको वो इनवॉइस आएगी, आप फिर
उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी सेल्स डे बुक में, ठीक है। आपको तो 1000 की इनवॉइस मिली, आपने उसी के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर लिया, आपने एंट्री ठीक की हुई है कि आपके पास सेल्स अकाउंट, आपके पास क्रेडिट होगा, ठीक है। सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और अगर आपके पास कैश है तो कैश आपके पास ना डेबिट हो जानी चाहिए। आपने ये एंट्री ठीक की हुई है, होनी 10,000 से चाहिए थी लेकिन की आपने 1,000 से। इसमें आपने क्या किया, एरर सिर्फ आपका ये है कि आपको जो ओरिजिनल इनवॉइस मिली है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वही कम अमाउंट की मिली है। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक हो गया। एक हमारे पास जो नेक्स्ट एरर है, दैट इज एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, और यू कैन से कंप्लीट रिवर्सल एरर। कंप्लीट रिवर्सल एरर का मतलब ये होता है कि आपने जो एरर किया है ना, वो टोटली रिवर्स कर दिया एंट्री, ठीक है। आपने डेबिट साइड को क्रेडिट और क्रेडिट साइड को डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, आपने सेल्स की मिस्टर ए को, तो एंट्री होनी चाहिए मिस्टर ए अकाउंट डेबिट होना चाहिए और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है। यही एंट्री होनी चाहिए। आपने क्या किया, दिया सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया और मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। यू हैव कंप्लीटली रिवर्स द एंट्री, ठीक है। अमाउंट आपने क्या किया, ये इसको कंप्लीटली रिवर्स कर दिया, रिकॉर्ड ही। जैसे शुरू में देखें, आप लोग जब शुरू में जर्नल एंट्रीज करते थे, आपने एक ना एक एरर जरूर किया होना है, ठीक है। जिन्होंने तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, मतलब मैंने पढ़ा दिया, जर्नल एंट्री करवाई, उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, वो तो एरर ऑफ ओमिशन में चले गए ना, कि उनको तो वो भूल ही गया कि वो पढ़ा क्या था, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एंट्रीज तो की लेकिन क्या किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल में लिख दिया उन्होंने, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये एरर है आपके पास सेकेंड, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, उसमें तो डॉक्यूमेंट ही आपके पास गलत आ गई। और कंप्लीट रिवर्सल भी शुरू में करते थे आप लोग, कि आपने सेल्स परचेजेस को डेबिट करना है तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और रिवर्स कंप्लीट एंट्री कर दी, सेल्स की रिवर्स एंट्री कर दी, ठीक है। एक्सपेंसेस पे किए तो एंट्री होनी चाहिए थी एक्सपेंसेस। उजाला खान, आपने हैंड रेज किया, अपना क्वेश्चन टाइप कर दें। जो कंप्लीट रिवर्सल है उसमें क्या करते थे, जैसे एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी थी, वेजेस अकाउंट पे किए, वेजेस पे की और वेजेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। एक्सपेंस अकाउंट बिकॉज इंक्रीज हो रहा था और आपके बैंक बैलेंस कम हो रहा था, लेकिन आपने क्या किया, आप उसको रिवर्स कर गए, आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट क्रेडिट कर दिए। ये सारे वो एरर्स हैं जो आप शुरू में भी करते हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीट रिवर्सल है। आप जब भी इसे करेक्ट करेंगे, आपने इसे डबल अमाउंट के साथ करना है, ठीक है। आप जो चीज आपने डेबिट की है उसको क्रेडिट, और जो क्रेडिट की है उसको आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एरर जो आता है ना, वो आता है आपके पास कंपनसेटिंग एरर। सिक्स नंबर पे है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर का मतलब, कंपनसेट करने का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल आपको कोई नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, ठीक है। किसी को आपकी वजह से नुकसान हुआ तो वो आप कंपनसेट करेंगे, आप पे करेंगे, दैट इज नोन एज कंपनसेशन, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है कि जब एक एंट्री आपने गलत कर दी, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिस आपने इंक्रीज कर दिया, डेबिट कर दिया, उतनी ही अमाउंट से आपने क्या करना है, आपने उसको भी करना है, इनकम को भी इंक्रीज कर दिया, मतलब एरर दोनों साइड पे कर दिया। परचेजेस इंक्रीज कर दी 10,000 से, उधर से सेल्स भी 10,000 से इंक्रीज कर दी, ठीक है। एसेट्स 10,000 से इंक्रीज किए, उधर से लाइबिलिटीज भी इंक्रीज कर दी, मतलब जब एरर किया तो दोनों जगह पे कर दिया। अब इसका भी क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि एसेट्स डेबिट हो रहे होते हैं,
ट्रायल बैलेंस में और जो लाइबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट हो रही होती हैं, तो जहां आपके एसेट्स इंक्रीज हुए 10,000 से, उधर से ही आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई, तो वो जो एरर होगा उसमें क्या होगा पता नहीं चलेगा, ट्रायल बैलेंस उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास एरर्स होते हैं, इसके बाद हमारे पास जो एरर आते हैं, एक एरर होता है अंडर स्टेटमेंट वाला, कि आपने कोई चीज अंडर स्टेट कर दी है या ओवर स्टेट कर दी है। ठीक है, उसको कहते हैं जैसे आप डिजिट है ना, डिजिट जो होते हैं ना जब उनकी वैल्यू आगे पीछे हो जाती है ना, तो उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल आपने 131 लिखना था, आपने 113 लिख दिया। ठीक है, आपने 151 लिखना था, आपने 115 लिख दिया। ठीक है, इस तरह के एरर्स जो होते हैं दे आर नोन एज अ कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, आपने 69 लिखना था, आपने 96 लिख दी वैल्यू। ठीक है, तो इस एरर को हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर, सॉरी ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर, जो ट्रांसपोजिशन एरर है ये हमारे पास है यहाँ पर ना, ये एरर है। ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब है, एंट्री करेक्ट हुई हुई है, आपने क्या किया डिजिट गलत लिख दिए उसके। ठीक है, आपने क्या किया डिजिट गलत लिख दिए। बिस्मा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया तो रेवेन्यू में लिख दिया, रेवेन्यू इंकर किया तो कैपिटल में उसको लिख दिया। ठीक है, दिस इज नोन एज कैपिटल, ये जो हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर, बस आपने लिखा है रिवाइज कर दें, तो कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक एरर किया है, एक्सपेंस ज्यादा लिखा है तो उतने से आपने इनकम भी ज्यादा लिख दी। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेजेस 5,000 से ज्यादा लिख दी मिस्टेकनली। ठीक है, तो आपने एक और उसी टाइम मिस्टेक हो गई कि आपने ना किसी कुछ टाइम बाद के आपने सेल्स भी 5,000 से एक्स्ट्रा कर दी, तो अब क्या होगा कि जो परचेजेस हैं वो आपके पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट हो रही होती हैं, डेबिट साइड पे जाती हैं, और जो आपके पास सेल्स होती हैं क्रेडिट साइड पे जाती हैं, तो दोनों चीजें ना 5,000 से इंक्रीज हो गई हैं, तो इसका मतलब है डेबिट और क्रेडिट साइड में डिफरेंस नहीं आएगा। अगर तो ऐसा होता ना कि आप खाली परचेजेस इंक्रीज कर देते हो, उसके अलावा सेल्स इंक्रीज ना करते, तो फिर तो एरर रिफ्लेक्ट हो जाता, पता चल जाता, ट्रायल बैलेंस एग्री ना होता। इसी तरह आपने क्या किया, आपने एसेट्स जो होते हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन को देख लें, आपने एसेट्स को ओवर स्टेट कर दिया, तो उधर से लाइबिलिटीज या कैपिटल में भी ओवर स्टेटमेंट कर दी, होगा ये एरर ही मिस्टेकनली। ठीक है, बाय चांस हो गया। ठीक है, तो ये एरर, दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। हाँ जी, और कोई एरर इसमें से आपको समझ ना आई हो पूछ लें। हाँ जी, बाकी क्लियर है सबको? ओके, बिस्मा क्लियर है। अच्छा, ये वाला चैप्टर ना आपने अपनी बुक से भी रीड करना है। ठीक है, एरर के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, उनको आपने करेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इस चैप्टर को रीड करना है। अच्छा, बाकी देखें कि आपके पास ना जो यहाँ पर आते हैं कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को एग्री नहीं कर, वो इफेक्ट कर देते हैं कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता। अब उन एरर्स में कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, देखें किस टाइप के, कि आपने फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन की एक साइड रिकॉर्ड की है, दूसरी साइड रिकॉर्ड ही नहीं की, आपने डबल एंट्री सिस्टम में कोई ट्रांजेक्शन की है तो उसमें डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया, फिर ये हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर ये हो सकता है कि आपने एक ट्रांजेक्शन की है, करेक्ट रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है, एंट्री उसकी ठीक कर दी है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि
डेबिट साइड पे अमाउंट लिखनी थी, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखी 110, 110, लेकिन क्रेडिट साइड पे आपने 101 लिख दी, तो दोनों साइड जो है डेबिट और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, ठीक हो गया। इस तरह के एरर्स जो होते हैं दे आर नोन एज एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। अच्छा, ये जो है इसकी जरा स्नैपशॉट ले लें, फिर मैं आपको बाकी करवाता हूँ आगे ना। इसकी स्नैपशॉट ले लें जो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखें मैं आपको ना अभी वो बुक वाला शेयर करता हूँ मटेरियल, तो उसमें से आपको थोड़ी सी रीडिंग करवा देता हूँ, साथ में कैलकुलेशंस भी करवा देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना रहे। अच्छा देखें, ये आपकी बुक में भी है, ठीक है। अब इसमें देखें जो एरर्स की टाइप्स गिवन है ना यहाँ पर, वो एरर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। द एरर्स 13.1 में देखें, उसमें लिखा हुआ है कि उसने कहा है कि जो एरर्स है ना, द एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, एरर्स नॉट अफेक्टिंग द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एरर अफेक्टिंग द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ ऑमिशन, बिल्कुल आप ट्रांजेक्शन ही भूल गए, रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद उसने एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कहता है कि अ सेल्स इनवॉइस ऑफ के हेनरी वॉज नॉट रिकॉर्डेड एनी वेयर इन द बुक्स, मतलब बिल्कुल ही रिकॉर्ड ही नहीं किया, एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल इज गिवन, दिस अराइजेज व्हेन रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट इन द फुल कंप्लायंस ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दिस अकर्स व्हेन द आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर इज रिकॉर्डेड एज अ रेवेन्यू आइटम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है रिवर्स, कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया और रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर लिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाइस वर्सा। वो शायद ना बिस्मा, इसमें स्क्रीन थोड़ी सी इस वजह से शायद क्लियर नहीं आपको आ रही नजर, कि वो शायद प्रिंट उसका ऐसा हुआ, स्कैनिंग में थोड़ा सा मसला हुआ था। ये आपके पास अपने आपके बुक्स में भी है ये सारा कुछ ना, ये बस बुक वाला मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या रीड करना है, ठीक है। ये अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन है, कंप्लीट रिवर्सल है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री दिया हुआ है, कंपनसेटिंग या कंपनसेटरी एरर, ये सारे दे दिए। अब देखें उसमें ना जो पहली एग्जाम्पल है ना, उसमें देखें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें ये देखें, आप क्लियर हो गया। इसमें देखें, ओके, अच्छा इसमें देखें हमारे पास ना जो एरर, ये जो हमने इसको आगे फर्दर देखते हैं, अच्छा इसमें देखें उसने कहा है कि हमारे पास ना जो क्वेश्चन है, जिम बर्गर स्टार्टेड कैटरिंग बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2006, ऑन 31 मार्च 2007 जिम प्रोड्यूस आर ट्रायल बैलेंस फॉर द बिजनेस एंड फाउंड दैट द टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकली एग्री, ठीक है। ये देखें उसने कहा ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स एग्री कर रही हैं, टोटल दोनों का सेम है, बट देर आर सम मिस्टेक्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मिस्टेक का वर्ड यूज किया हुआ है, इसका मतलब एरर होता है। कहता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है। एरर्स कौन से हुए हैं, एरर वो हुए हैं जिन्होंने ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं किया। उसमें पहले नंबर पर उसने कहा है कि आप ना क्या करें, प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव ट्रांजेक्शन। अबव कहता है बैंक चार्जेस फॉर फॉर मार्च 2007 ऑफ 150 हैड बीन ओमिटेड,
ओमिटेड का वर्ड शो कर रहा है, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। ये जो ओमिटेड का वर्ड है ये शो कर रहा है कि आप बिल्कुल ओमिट कर गए, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। जब एरर ऑफ ओमिशन होता है ना, तो जो ओरिजिनल एंट्री होनी होती है वही करेक्ट एंट्री होती है, ठीक है, वही क्या होती है, करेक्ट एंट्री। तो बैंक चार्जेस जो हैं ये एक्सपेंसेस होते हैं, ये डेबिट होने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि बैंक चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट होते हैं बैंक अकाउंट से, इसलिए बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बैंक बैलेंस क्या है आपका एसेट। तो एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय 150, ये करेक्ट एंट्री है। उसके बाद उसने कहा सेल ऑफ द गुड्स ऑन द क्रेडिट ऑफ 75 टू GG हैड बीन पोस्टेड इन एरर टू BG's अकाउंट, ठीक है। अब देखें दोनों नेम सेम थे, GG है और BG है, आपने सेल्स की है 75 की क्रेडिट पे, एंट्री क्या होनी चाहिए, GG अकाउंट डेबिट होना चाहिए और आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, एरर किया है कि आपने GG की बजाय आपने BG's अकाउंट डेबिट कर दिया। अच्छा एरर किसमें है, वो BG का अकाउंट आपने रॉन्गली डेबिट किया हुआ है। जो चीज आपने रॉन्गली डेबिट की होती है ना, अब आप उसे क्या कर देते हैं, उसे आप क्रेडिट कर देंगे। ये आपने रॉन्गली डेबिट किया हुआ है, इसको आप क्या कर दें, क्रेडिट कर देंगे। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। आपने इसको डेबिट किया तो एंट्री में क्या करेंगे, BG's अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, BG's अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट में क्या होगा, आपके पास जो अकाउंट है डेबिट में क्या होना चाहिए, आपके पास GG's अकाउंट जो है इसको आपने क्या किया हुआ, इसको आपने डेबिट नहीं किया हुआ, इसके अकाउंट को आप क्या कर देंगे डेबिट, इसको अपना एसेट बना लेंगे, ये रिसीवेबल हो जाएगा। GG's अकाउंट डेबिट और BG's अकाउंट क्रेडिट कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखें बाय अमाउंट कितनी, अमाउंट कितनी है आपकी 175, ठीक हो गया। उसके बाद देखें आपके पास ना जो नेक्स्ट है उसमें उसने कहा है कि आपके पास ना नेक्स्ट उसने कहा है कि आपके पास थर्ड में $125 रिपेयर्स टू द डिलीवरी व्हीकल, दीज आर रिपेयर्स, ठीक है, रिपेयर्स किए हैं, रिपेयर्स आपके एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। कहता है हैड बीन डेबिटेड टू द मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस। अब हैड बीन के आगे वो आपको एरर बता रहा है कि एरर क्या किया, उसने कहा आपने डेबिट कहाँ किस में कर दिया, आपने डेबिट कर दिया मोटर व्हीकल एक्सपेंस, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्सपेंस को क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिए। तो मोटर व्हीकल आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है जबकि रिपेयर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आपने मोटर व्हीकल अकाउंट रॉन्गली डेबिट किया हुआ है, उसको क्रेडिट कर दें, ठीक है, तो उसको क्या कर दें, क्रेडिट कर दें बाय 125। और डिलीवरी ये जो आपने रिपेयर एक्सपेंसेस हैं इनको आपने डेबिट नहीं किया हुआ, इनको रिपेयर एक्सपेंसेस को डेबिट कर दें। देखें ये वाले जब हमने पढ़े थे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वहां पर इस तरह के एरर्स आते थे कि आपने एसेट्स में एक चीज एडिशनल ऐड कर दी है, उसको आप एसेट को कम कर दें, माइनस कर देते, तो एसेट माइनस करने का मतलब होता है एसेट क्रेडिट हो गया, ठीक है, और रिपेयर्स हैं उनको जाके आप एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास जो आ रहा है उसने कहा है जो फोर्थ एंट्री है उसने कहा द परचेजेस ऑफ 623 फ्रॉम फिलिप्स आर सप्लायर हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एज 632। अब देखें ये जो आपके पास यहाँ पर उसने कहा है ना, आपने परचेजेस की हैं फिलिप्स से कितने की, 623 की, और उनको आपने रिकॉर्ड कर लिया है 632 के हिसाब से सेल्स डे बुक में, ठीक है, सेल्स डे बुक में, इसका मतलब है आपने सेल्स जो है उनको क्या कर दिया है, रॉन्गली रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक हो गया। अब देखें इसकी एंट्री क्या करनी है, आपने परचेजेस की हैं और सेल्स डे बुक में लिख दी हैं,
परचेजेस आपकी डेबिट होनी चाहिए थी, ठीक है, पहली चीज है आप परचेजेस को डेबिट करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपके पास ना सेल्स आपने रॉन्गली क्रेडिट कर दिए हैं, सेल्स को डेबिट कर दें, ठीक है, सेल्स को क्या कर देंगे आप, डेबिट कर दें। अच्छा, इसमें आपने क्या किया है, आपने ना यहाँ पर जो एरर किया है, वो एरर क्या है कि आपने उसको करना चाहिए था, आपने लिखना चाहिए था आपके पास है कि आपके पास जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस की, आपने जाके उसको सेल्स में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब देखें, जैसे आपके पास ना इसकी जो एंट्री है ना, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी, यहाँ पर मैं एंट्री लिखने लगा हूँ कि आपके पास ना परचेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, डेबिट परचेजेस होना चाहिए था, और क्रेडिट आपके पास इसमें होना चाहिए था फिलिप्स, ठीक है। कितनी अमाउंट से होना चाहिए था, आपने उसकी अमाउंट यहाँ पर लिखनी है, अमाउंट है आपकी 623, ठीक है। सिक्स हंड्रेड एंड 23, ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी। वैसे आपने क्या कर दिया, आपने ना इसको टोटली रिवर्स कर दिया, एक तो आपने अमाउंट गलत लिखी और ऊपर से आपने जाके उसको जाके लिख दिया है उसको सेल्स में, सेल्स डे बुक में। तो डेबिट आपने क्या कर दिया, फिलिप्स अकाउंट डेबिट कर दिया है कितने से, 632 से, और क्रेडिट में आपने कर दिया सेल्स अकाउंट 632 से, ये आपने कर दिए एरर। अब देखें ये रॉन्ग एंट्री, जब आप कुरेक्शन करेंगे, ये पहली चीज तो ये है कि आप जब कुरेक्शन करेंगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी, आप परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है, परचेजेस अकाउंट आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से आपके ये डेबिट होनी चाहिए थी, आपकी अमाउंट आ रही है यहाँ पर 623, 623, ठीक है। एक तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपने सेल्स को रॉन्गली क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है, सेल्स को आपने क्या किया, रॉन्गली क्रेडिट किया हुआ है। अब आप सेल्स को भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ताकि ये खत्म हो जाए, डेबिट क्रेडिट से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आप सेल्स डेबिट कर देंगे, कितनी अमाउंट से आपके पास है सेल्स, ये आपने लिखी हुई है 632 से, 632, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखें फिलिप्स का अकाउंट, एक दफा तो आपके पास वो करेक्टली क्रेडिट होना चाहिए, दूसरी दफा से आपके पास जो रॉन्गली आपने उसे डेबिट किया है, फिर आप उसे क्रेडिट भी करेंगे, तो क्रेडिट आपके पास जो अकाउंट आएगा वो फिलिप्स का अकाउंट आएगा। कितनी अमाउंट से, ये आपने अमाउंट दोनों ही लिखनी है, क्योंकि डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। एक आती है हमारे पास 623, और प्लस उसमें आता है 632, ये दोनों चीजें आप मिला के 1255 से उसका अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है, जो उसने भी एंट्री की हुई है, और आपने इसके अकॉर्डिंगली एंट्री करनी है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट है, उसने कहा है कि आपके पास ना नंबर 5 में उसने कहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम द जॉन्स फॉर 425 रिकॉर्डेड एज 245। ये देखें एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, दिस एरर इज नोन एज एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन्स की एंट्री होती है, गुड्स परचेजेस अकाउंट डेबिट, जॉन्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, एंट्री होनी चाहिए थी 425 से, बट यू हैव ओनली रिकॉर्डेड फॉर 245। तो आपके जो अमाउंट है, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितनी वैल्यू का आ रहा है इन दोनों के दरमियान, आपने इसके दरमियान आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 425 माइनस आप करेंगे इसमें से 245 आपने रिकॉर्ड किया, इसका मतलब है 180 जो डॉलर्स हैं उससे आपने क्या किया,
अंडरस्टेट किया हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको अंडरस्टेट, अंडरस्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कम लिख दी है, आपने परचेजेस भी कम लिखी हुई है और आपने सेल्स भी कम लिखी हुई है, सॉरी उसमें जो लाइबिलिटीज है वो भी कम है, अंडर स्टेटेड, ये आपके पास है 180 से। अब आप क्या करेंगे, परचेजेस भी करेक्ट करेंगे 180 से इंक्रीज करेंगे, और जॉन्स अकाउंट जो आपकी लाइबिलिटी ट्रेड पेबल है उसका अकाउंट भी 180 से इंक्रीज करेंगे। तो परचेजेस इंक्रीज जब भी होती है डेबिट होती है, और जॉन्स का अकाउंट आपकी वो ट्रेड पेबल है जब वो इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आप इसे क्या कर देंगे, ये जो एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट एंड जॉन्स अकाउंट क्रेडिट, ये आपके पास जो है ये एरर कौन सा है, ये आपके पास एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। अब ये जो एरर्स के नीचे टाइप्स भी लिखी हुई हैं, ओरिजिनल एंट्री में उसने लिखा हुआ है, ओरिजिनल एंट्री और ट्रांसपोजिशन एक ही है, लेकिन उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट का डिफरेंस होता है। ओरिजिनल एंट्री जो होती है उसमें डॉक्यूमेंट जो होती है वो ओरिजिनली डॉक्यूमेंट ही गलत बनी होती है, ठीक हो गया। बुक्स ऑफ जो प्राइम एंट्री है उसमें ही आप इनकोरेक्टली उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें जो एरर्स गिवन है यहाँ पर ना, एरर्स हमारे पास जो गिवन है वो उसमें दिए हुए हैं, उसने एरर्स दिए हुए, कहता है देर आर मेनी एरर्स विच डू इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। उन एरर्स की एग्जाम्पल्स नीचे दे दी हैं, एग्जाम्पल्स में देखें कौन कौन से एग्जाम्पल्स उसने दी हुई हैं। एग्जाम्पल्स में देखें उसने कहा है कि कैलकुलेटिंग द टोटल इनकोरेक्टली इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो आप टोटल किया ना वो आपने रॉन्ग कर दिया। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो टोटल किया आपने वो इनकोरेक्ट किया है, ये फिर आ सकता है। उसके बाद देखें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में टोटल का मतलब है सेल्स डे बुक का टोटल, परचेज डे बुक का टोटल, सेल्स रिटर्न डे बुक का, परचेज रिटर्न डे बुक का टोटल, इनका टोटल आपने क्या किया है वो इनकोरेक्ट किया है, या ज्यादा कर दिया या कम कर दिया। पीछे उसमें एरर नहीं है, एंट्री करते हुए एरर नहीं है। कहता कैलकुलेटिंग द बैलेंस इनकोरेक्टली ऑन अ लेजर अकाउंट, मतलब आपने जो सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर है उसमें जो टी अकाउंट्स बनाए हैं उनमें जाके एरर कर दिया, उनका टोटल जो है वो गलत कर दिया, आपने जो टोटल कर दिया है लेजर्स का वो आपने रॉन्ग किया, उस सूरत में भी ये एरर आ सकता है। उसके बाद कहता है मेकिंग डेबिट एंट्री एंड द क्रेडिट एंट्री विच आर नॉट इक्वल इन अमाउंट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि आपने डेबिट एंट्री के लिए अमाउंट डिफरेंट लिख दी है, ठीक है 110 लिखी, और क्रेडिट के लिए 101 लिख दी, ठीक है, तो फिर भी ये इनकोरेक्ट हो जाएगा, ये एरर इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को। उसके बाद है कि आपके पास ना मेकिंग अ डेबिट एंट्री विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग द क्रेडिट एंट्री एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब है आपने जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो सिस्टम बीच में लगा लिया किसी जगह पे, कि आपने वन साइड ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है डेबिट की है, या क्रेडिट एक रिकॉर्ड कर लिया है एंड दूसरी जो है वो ओमिट कर गए, ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। कहते एंटायरली ओमिटिंग द लेजर अकाउंट बैलेंसेज फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में इसका मतलब यह है कि जब आपने बैलेंस टी अकाउंट्स बना लिए, टी अकाउंट्स बनाने के बाद आपने जब लेजर में बैलेंसेज लेके गए ना, ट्रायल बैलेंस में सॉरी, तो ट्रायल बैलेंस में जो लेजर के बैलेंसेज लेके हैं कोई एक लेजर है वो बिल्कुल मिस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेड रिसीवेबल मिस कर दिए, डेबिट साइड शॉर्ट हो जाएगी, ट्रेड पेबल मिस कर दिए, क्रेडिट साइड शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। लिस्टिंग आ डेबिट बैलेंस एज अ क्रेडिट बैलेंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है, आपने डेबिट बैलेंस लिखना था ट्रायल बैलेंस में जाके क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है, क्रेडिट लिखना था उसको डेबिट में लिख दिया, इस सूरत में क्या होता है कि आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस सूरत में क्या होगा, आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। जब आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे एक बात याद रखेंगे कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए क्रिएट कर लिया जाता है कि आपने ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, आपने एरर की फाइंड आउट करने की ट्राई की तो एरर मिले ही नहीं आपको, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, आपने इनकम स्टेटमेंट अगर आप बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, तो फिर आप ट्रायल बैलेंस को
डिफरेंस जो है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल के उसको वहां पर ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो इसका मतलब है वो करंट एसेट है, और क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो इसका मतलब है वो करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि ये देखें आपके पास ना, ये हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस नीचे गिवन है, इसमें ना जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों ही एग्री है। ठीक है, अब उसने उसने क्या कहा है कि आपने ना पहले इसको ना करेक्ट ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करें। अब देखें करेक्ट कैसे होगा, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट लिखा हुआ है, ठीक है, ऑर्डिनरी गुड्स परचेज डेबिट में, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स जो है, रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब है कि सेल्स रिटर्न्स हुई हैं, ये क्रेडिट लिखी हुई है, ये डेबिट होनी चाहिए, ये रॉन्ग है। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड्स हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है कि आपने परचेज की थी, परचेज रिटर्न्स हो गई, तो ये अपोजिट साइड पे, परचेजेस के अपोजिट साइड पे आनी चाहिए, ये क्रेडिट होती हैं। आपके पास उसने इन्वेंट्री दे दी है, इन्वेंट्री 1 जनवरी 2001 की दे दी है, उसने कहा है कि आपके पास इन्वेंट्री है 1000 की, इन्वेंट्री एसेट है डेबिट साइड पे, 100,000 डेबिट साइड पे आना चाहिए। कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज एक्सपेंस होता है, चाहे आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो, इनवर्ड में जब आप इसे रिकॉर्ड करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फिर आप इसे उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में, परचेजेस में ऐड कर देते हैं, लेकिन ये डेबिट होगा, ये यहाँ पर ना इसने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, ये इसका रॉन्ग है। ठीक है, इसको आप करेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो चीज आ रही है यहाँ पर ना, एक तो ये वाला आपका एरर है, ये गलत है। उसके बाद आपके पास जो एरर आ रहा है, उसने कहा कि आपके पास ना इन्वेंट्री के बाद कैरिज है, वेजेस है, वेजेस डेबिट साइड पे ठीक है, रेट्स ठीक है, कैरिज इन वर्ड भी क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स क्रेडिट साइड पे लिखें, इनको डेबिट साइड पे लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट पे लिखे हुए, ये भी डेबिट होते हैं, ट्रेड पेबल्स डेबिट लिखे हुए, ये क्रेडिट होने चाहिए। उसके बाद बैंक ओवरड्रॉन, बैंक ओवरड्रॉन का मतलब है दैट इज लाइबिलिटी, दैट इज लाइबिलिटी, तो जो लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट होती है, लेकिन यहाँ डेबिट पे लिखी हुई है, ये भी गलत है। ड्रॉइंग्स डेबिट पे ठीक है, कैपिटल क्रेडिट पे ठीक है लिखा हुआ, लोन फ्रॉम द बैंक 70,000, लोन लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट होना चाहिए, वो क्रेडिट साइड पे डाल दें, और उसने सस्पेंस अकाउंट 800 का डाला हुआ है, उसने कहा ड्रॉप द करेक्ट अकाउंट। अब जो करेक्ट अकाउंट कैलकुलेट किया, करेक्शन की, तो आपके पास जो अकाउंट है टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वो इक्वल हो गई 643,600 से, ठीक है, दोनों साइड। अब यहाँ ये एक टाइप है कि आपको ये भी एग्जामिनर कह सकता है कि आप ये जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है इसको करेक्ट करें, ठीक है, तो आपने उसको करेक्ट कर दिया। अच्छा, अब उसमें देखें नेक्स्ट जो हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें देखें, उसने कहा कि आर एंड्रियोज हैज ड्रॉन अप अ ट्रायल बैलेंस एट 31 मार्च 2002 एंड डिटरमिन्ड दैट द टोटल ऑफ द डेबिट साइड वॉज 121,900, वेयर एज द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड वॉज ओनली 121,312, विच साइड इज शॉर्ट, क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड हमारे पास थी 121,900 और क्रेडिट साइड है 121,312, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आगे कितने डिफरेंस जो आता है, ये 588 डॉलर्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। तो ये आपके पास अगर एक साल आपके पास ना, फॉर एग्जांपल एंड पे सस्पेंस अकाउंट इस तरह आ जाता है, तो क्रेडिट बैलेंस अगर आ जाता है तो उसको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ करंट लाइबिलिटी शो करेंगे। ठीक है, अगर डेबिट साइड शॉर्ट आ जाए तो फिर डेबिट साइड को जिस साल ये शॉर्ट आ रहा है उसको डेबिट साइड को एज अ करंट एसेट ट्रीट किया जाता है इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। उसके बाद उसने कहा है सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड एंड व्हेन द नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैड बीन मेड इन द अकाउंट्स द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस वॉज एलिमिनेटेड। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। पहले नंबर पर उसने कहा है कि जी सेल्स जर्नल आवर कॉस्ट,
अवर कॉस्ट का मतलब था कि आपने सेल्स जर्नल को जब टोटल किया तो टोटल आपने उसको ज्यादा कर दिया, इस वजह से वो कहता है कि आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया। सेल्स अवर कॉस्ट का मतलब है सेल्स क्रेडिट ज्यादा की हुई है, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसको डेबिट कर देंगे सेल्स को, और क्रेडिट में आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब ये हुआ, मकसद ये हुआ कि आपके पास ना क्योंकि आपने का जब एरर आया था उसको आपने क्या कर दिया था, सस्पेंस अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में डाल दिया था, ठीक है, इसलिए आपने क्या किया उसको यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट की। उसके बाद देखें उसने नेक्स्ट कहा है, उसने कहा द रिटर्न इनवर्ड्स अमाउंटिंग टू 300 हैड बीन एंटर्ड एज अ 500 इन द ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, ठीक हो गया। उसने कहा है कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट थे ना, रिटर्न इनवर्ड्स थी कितने की, 300 की। उसने कहा है कि जब रिटर्न इनवर्ड्स आई ना तो एंट्री क्या होती है रिटर्न इनवर्ड्स की, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट आपके पास डेबिट हो जाता है और ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। उसने कहा है जो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना वो 500 से हुआ है, जबकि होना कितने से चाहिए था, 300 से। तो आपने क्रेडिट ज्यादा कर दिया ट्रेड रिसीवेबल को, जितनी अमाउंट से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर दें, ठीक है, डिफरेंस आता है इन दोनों के दरमियान 500 माइनस 300, 200 का, 200 से आपने क्या कर दिया उसको, ज्यादा क्रेडिट किया हुआ है तो आप इसको डेबिट कर दें 200 से, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है थर्ड, उसने कहा है कि स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 180 फॉर इंश्योरेंस वाज एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बैंक अकाउंट। उसने कहा स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ा था जब हमने कैश बुक और उसके बाद हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ी थी। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपने एडवांस में ऑर्डर दिया हुआ था कि $180 जो है इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक डेट पे हो जाए। उसने कहा पेमेंट हो गई, वॉज एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बैंक अकाउंट, इसका क्या मतलब है, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो रॉन्ग साइड का क्या मतलब है कि आपने बैंक अकाउंट क्रेडिट करने के बजाय आपने डेबिट कर दिया है, ठीक है, तो आपने बैंक अकाउंट कंप्लीटली रिवर्स कर दिया है, होना चाहिए था क्रेडिट आपने डेबिट कर दिया है। तो जब कंप्लीटली कोई चीज रिवर्स होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए डबल अमाउंट से उसको करेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए आपके पास सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 180 से पहले और फिर आपके 180 से दूसरी दफा ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये क्यों क्रेडिट होगा, उसकी रीजन ये है कि एक दफा तो आप क्रेडिट करेंगे जो रॉन्गली डेबिट किया उसको एलिमिनेट करने के लिए जीरो वैल्यू हो जाएगी, और बैंक में से क्योंकि पैसे अमाउंट निकल गई है तो आप उसके लिए 180 और क्रेडिट करेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए, इफेक्ट करेक्ट हो जाए, ठीक है, और डेबिट में आपका सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा क्योंकि बिकॉज यू क्रिएटेड अ सस्पेंस अकाउंट, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि द परचेज ऑफ गुड्स, फोर्थ वन, द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द एम फिश 250 हैड बीन पोस्टेड ऑन द रॉन्ग टू द रॉन्ग साइड ऑफ द फिश अकाउंट। अच्छा देखें परचेजेस की है, परचेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, एम फिश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, ऐसे ही है 250 से। उसने कहा एम फिश अकाउंट रॉन्ग साइड पे लिख दिया, इसका मतलब एम फिश अकाउंट क्रेडिट होने की बजाय आपने डेबिट कर दिया है, एम फिश के अकाउंट को क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया, तो ये क्या कर दिया आपने, डबल एंट्री से डबल अमाउंट से इसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, जब आप इसे करेक्ट करेंगे तो एम फिश का अकाउंट दो दफा क्रेडिट होगा, दो दफा क्रेडिट करने के बजाय हम उसका एक ही दफा अकाउंट क्रेडिट करके अमाउंट डबल कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखें एम फिश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है और डेबिट में क्या है, सस्पेंस अकाउंट है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो फिफ्थ है, उसने कहा ट्रेड रिसीवेबल्स टोटल, ट्रेड रिसीवेबल्स टोटल ऑफ 7123 हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस एज 7321,
ठीक हो गया। अब देखें, आपने ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल बनाया, जैसे आप कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स का, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि आपने सेल्स लेजर जो था उसका टोटल किया, तो वो आपके पास था 7123, जबकि आपने उसको ट्रांसफर कर दिया ट्रायल बैलेंस में 7321। ठीक हो गया। अब कितनी अमाउंट से ये हुई एरर हुआ हुआ है, आपने क्या कर दिया है, ट्रायल बैलेंस में एक्स्ट्रा अमाउंट लिख दी है, तो ट्रायल बैलेंस में जिस, क्योंकि डबल एंट्री तो नहीं हो रही होती ट्रायल बैलेंस में, इसलिए आप क्या करेंगे, जितनी अमाउंट से इसको करेक्ट कर लेंगे, जो डिफरेंस आया, डिफरेंस आता है 198 का, तो सस्पेंस अकाउंट में इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों कर रहे हैं सस्पेंस अकाउंट में, उसकी रीज़न क्या है कि ट्रायल बैलेंस में आपके पास जो टोटल रिसीवेबल्स हैं वो आते हैं डेबिट साइड पे, ठीक है, वो आने चाहिए थे 2123, जबकि आपने क्या कर दिया, उनको वहां पर एंटर कर दिया 7321, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में उसको निकाल देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। ये आपके ट्रायल बैलेंस का एरर है। जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो ये जर्नल एंट्रीज ऊपर हैं, इन्हीं को देख के आपने सस्पेंस अकाउंट बनाना। ठीक है, ये जो ऊपर जितनी भी हमारे पास एंट्रीज की हुई हैं उनको देख के, अब देखें जो सस्पेंस अकाउंट है उसका डिफरेंस किधर आना चाहिए था, वो डिफरेंस आ रहा था हमारे पास ना क्रेडिट साइड पे 588 का, तो वो हम क्रेडिट साइड पे डाल लेंगे। यार ये आपके ना एमसीक्यू जो हैं ये ओपन नहीं हो रहे, मुझे शो नहीं हो रहे, सॉरी, आपके जो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, चलिए मैं बाद में देखता हूँ कि क्वेश्चन ये ओपन होते हैं तो मैं इनको आपको आंसर देता हूँ इनका। अच्छा, अब यहाँ देखें आपके पास ना जो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट का जो डिफरेंस है उसने हमें ऊपर कहा था यहाँ पर ना, ठीक है, कि आपके पास ना डेबिट साइड जो है 121,900 की और क्रेडिट साइड जो है 121,312 की है। इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड इज शॉर्ट बाय 98, दैट इज ए शॉर्ट बाय 588। तो हम क्रेडिट साइड पे जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे उसमें क्रेडिट साइड पे ये डिफरेंस डालेंगे, अगर डेबिट साइड शॉर्ट हो तो डेबिट साइड पे ये लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने सस्पेंस अकाउंट की जितनी जर्नल एंट्रीज की हैं, पहली जब जर्नल एंट्री की है उस सस्पेंस अकाउंट उसमें क्रेडिट हो रहा है, तो आप सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और डेबिट रेफरेंस में सेल्स लिख देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह जो सेकेंड एंट्री है उसमें सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय 200, ठीक है, और डेबिट में आपने रेफरेंस क्या लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल। आपके पास इसी तरह सस्पेंस अकाउंट थर्ड एंट्री में डेबिट हो रहा है 360 से, तो आपने इसको भी डेबिट साइड पे लिख दिया सस्पेंस अकाउंट में, और रेफरेंस जो आपने लिखा है वो आपने बैंक अकाउंट लिख दिया। इसी तरह आपके पास जो फोर्थ एंट्री है उसमें सस्पेंस अकाउंट आपके डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में ये डेबिट साइड पे अमाउंट ट्रांसफर करेंगे ये वाली 500, ठीक है, और क्रेडिट रेफरेंस में एम फिश लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, जो एरर है सस्पेंस अकाउंट में, जो ट्रायल बैलेंस का एरर है वो 195 भी डेबिट हो रहा है, उसको भी डेबिट साइड पे डाल देंगे, उसने कहा टोटल रिसीवेबल इन द ट्रायल बैलेंस करेक्टेड, ठीक है, आपके टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं जो ट्रायल बैलेंस आपने करेक्ट किया है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास में जो क्वेश्चन आता है वो कहता है कि इफेक्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द करेक्टिंग एरर, ठीक है, आपने एरर जो हैं उनको करेक्ट करना है और उनका इफेक्ट क्या होगा आपके प्रॉफिट पे, ठीक
क्या प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कितनी अमाउंट से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वो आपने बताना होता है, ठीक है। अब उसमें देखें, जब ये हम देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ, कहता है कि एग्जांपल एग्जांपल नंबर 4 है, कहता है ऑन 30 जून 2003 अ बिजनेस ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री, बिजनेस का जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री नहीं हुआ, ठीक है। अब एग्री ना होने की का मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट उसने क्रिएट हुआ है। उसने कहा अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टोटल्स ऑफ द टू साइड्स एंड द इनकम स्टेटमेंट प्रीपेड ऑन दैट डेट शोड अ प्रॉफिट ऑफ 51,000 ऑफ द फॉर द ईयर। प्रॉफिट कितने का शो हुआ है, हो रहा है 51,000 का। अब जब एरर फाइंड आउट होंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट जो है वो एडजस्ट होने के बाद कितना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट का फिगर गिवन है ना 51,000, यहां से स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है, और उसमें एडिशन और उसमें से सब्ट्रैक्शन करते रहेंगे जैसे जैसे कि एरर के अकॉर्डिंगली। जैसे कि उसने देखें बताया कि पहला एरर उसने कहा है द रिपेयर्स टू द मशीन ऑफ 200 फॉर 200 हैड बीन डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। पहली चीज ये है कि जो रिपेयर हुई है वो आपका एक्सपेंस है, रिपेयर क्या है आपके मशीनरी को, वो एक्सपेंस है। तो जब आप एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस जो है 200 से वो आप उसमें जाएंगे प्रॉफिट में, इसको जाके क्या करेंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे। तो आपने जो इसका फॉर्मेट बनाना है वो जैसे ये नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है ना, कि आपने नेट प्रॉफिट लिखना है, उसमें एडिशन करना है, कुछ लाइंस छोड़ देनी है, फिर माइनस लिखना है और कुछ लाइंस छोड़ देनी है, ठीक है। अब जो आपके पास जिन चीजों से प्रॉफिट कम होगा ना करेक्शन करने से, वो आपने इस सेकेंड वाले फेज में ये माइनस वाले में लिख देना। पहली चीज ये है कि उसने कहा रिपेयर्स हैं, रिपेयर्स एक्सपेंस एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस जब बढ़ जाएंगे आपके ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो लेस रिपेयर्स एक्सपेंसेस में डाल देंगे 200, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा गुड्स परचेज फ्रॉम डब्ल्यू विथम 500 हैड रॉन्गली बीन क्रेडिटेड टू बी विलियम विथम्स अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ देखें आपके पास, उसने कहा है कि परचेज किए हैं आपने डब्ल्यू विथम से और आपने उनको जाके रिकॉर्ड कर लिया है, कहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है, आपने बी विथम के अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ, ठीक है। अब देखें इस एंट्री का ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रॉफिट को, इस करेक्शन पे, करेक्शन का प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास परचेजेस सही रिकॉर्ड है, परचेजेस में ठीक है, लेकिन अकाउंट में गलती है। तो अकाउंट जो है वो तो आपका ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल तो आते ही नहीं है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है कि आपके पास ना डिस्काउंट अलाउड 250 हैड बीन करेक्टली क्रेडिटेड टू द ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट इन द सेल्स लेजर, ठीक है, बट नो एंट्री वॉज मेड इन द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड जो है उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो डिस्काउंट अलाउड क्या है, वो आपके पास एक्सपेंस है, तो आप वो एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, इसलिए यहाँ पर ना माइनस में जाके आप लिख देंगे कि आपके पास ये डिस्काउंट अलाउड माइनस होगा, प्रॉफिट कम कर देगा इसी वजह से। उसके बाद उसने कहा क्रूड वेजेस ऑफ 300 वर नॉट एक्सेप्टेड फॉर द वाइल प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, अक्रूड वेजेस ऑफ 300 वर नॉट अकाउंटेड फॉर, आपने उनको क्या किया, अकाउंट फॉर नहीं किया, कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया आपने। तो अक्रूड वेजेस क्या होती हैं, ये आपके पास वेजेस में ऐड हो जाती हैं, एक्सपेंस होते हैं, तो आपके पास ये भी एक्सपेंसेस में आ जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी। उसके बाद उसने कहा है कि एन इन्वेंट्री शीट शोड दैट एन इन्वेंट्री आइटम वैल्यू 210 हैड बीन शोन ट्वाइस इन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है।
क्लोजिंग इन्वेंट्री में उसे क्या कर दिया आपने, डबल शो कर दिया। अच्छा देखें, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है ना, वो बेसिकली ये होता है कि आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स जब कैलकुलेट होती है तो उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस में आ रहा होता है। तो अब आपने क्या किया, उसको डबल ट्वाइस काउंट किया हुआ है। तो जब आप इसको एक दफा कम करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल्स 210 से बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसको भी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद उसने कहा है कि ड्राइंग्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 400 हैव नॉट येट बीन अकाउंटेड फॉर। ठीक है, उसने कहा ड्राइंग्स ऑफ गुड्स हैं वो अभी तक आपने उनकी ट्रीटमेंट नहीं की। तो जो ड्राइंग्स होती हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, उसमें जब आपकी ड्राइंग्स होंगी तो ड्राइंग्स में आप जब कैलकुलेशन करेंगे उनके लिए क्या करते हैं, ड्राइंग्स हमारे पास माइनस हुई होती हैं। तो नेट प्रॉफिट जो होता है उसकी वजह से ना ड्राइंग्स को आपने अकाउंट फॉर करके ऐड बैक कर दिया। अच्छा ठीक हो गया, वो परचेजेज में डाल दी उसने ना, परचेजेज में से माइनस कर दिए। ठीक है, उसने कहा है कि ड्राइंग्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 400 हैव नॉट येट बीन अकाउंटेड फॉर। इसका मतलब गुड्स, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेज में लिखी होती हैं, तो 400 परचेजेज में से कम होगा। जब परचेजेज में से 400 कम होगा तो परचेज कम होने का मतलब है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी 400 से। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होने से प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो 400 से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यार ये आपके ना क्वेश्चन आंसर्स जो है ना ये वाले ओपन नहीं हो रहे। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप कर दें आपने क्या क्वेश्चन किए हैं। अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दें, तीन क्वेश्चंस मुझे आए हुए हैं, किसी ने तीन क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो मुझे अपने क्वेश्चन सेंड कर दें, व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं उनके रिप्लाई दे दूं। अच्छा उसके बाद देखें, ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, जो जॉर्ज फ्रैंकलिन इज अ सोल ट्रेडर एंड प्रिपेयर्स हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो 13.1 है, Prepares financial statements at 31st December each year. Subsequently, he discovered the following errors. अब उसमें एरर कौन कौन से उसने डिस्कवर किए हैं, वो उसने एरर देखे। उसने कहा रिपेयर्स टू प्रीमिसेस 200 हैड बीन डेबिटेड टू द प्रीमिसेस अकाउंट। करवाई रिपेयर्स है, ठीक है, और उनको लिख दिया है कि वो प्रीमिसेस आपने परचेज कर लिए हैं, परचेज प्रीमिसेस के अकाउंट में डाल दिए हैं। देखें प्रीमिसेस को आपने ओवरस्टेट कर दिया, प्रीमिसेस को ओवरस्टेट कर दिया 200 से। इनको जब करेक्ट करेंगे तो करेक्ट करने के लिए आपने जो एंट्री करनी है वो कौन सी एंट्री करेंगे आपके पास ना। आपके पास जो एंट्री आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास यहाँ पर ना, कि आपके पास रिपेयर्स अकाउंट रॉन्गली आपके पास वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए हुए, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और प्रीमिसेस अकाउंट रॉन्गली डेबिट हुए हैं उनको आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पहले की जो एंट्री होगी वो क्या एंट्री होगी, फर्स्ट की वो होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट एंड प्रीमिसेस अकाउंट क्रेडिट बाय 200। ठीक है,
रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी रिपेयर्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड प्रीमिसेस अकाउंट क्रेडिट बाय 200। उसके बाद सेकंड देखें तो सेकंड हमारे पास है, उसकी क्या एंट्री होगी? सेकंड में हमारे पास जो एंट्री होगी वो ये होगी कि आप आपके पास ना, उसने कहा द परचेज ऑफ द स्टेशनरी 150 हैड बीन डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट। अब देखें, आपने स्टेशनरी एक्सपेंस था वो आपने स्टेशनरी परचेज की, उसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो आपने उसे परचेजेस में डाल दिया, तो परचेजेस तो रॉन्गली आपने परचेजेस में डाल दिया। तो अब आप उसकी, अब जब करेक्शन करेंगे तो करेक्शन कैसे करेंगे कि आपके पास ना, आप उसे यहाँ पर ना, जब आप इसे लिखेंगे तो एंट्री क्या होगी आपके पास? स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बाय 150 एंड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट बाय 150। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखें जो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री आपके पास क्या आ रही है? उसमें उसने लिखा हुआ है कि द बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2004। बैंक स्टेटमेंट आपने कब रिसीव किया है? 31 मार्च 2004 को। ठीक है, श्योर दैट द बैंक हैड बीन डेबिटेड द बिजनेस बैंक अकाउंट विद $40। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ है वो उसने बता दिया है। उसने कहा $40 फॉर द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द बैंक ओवरड्राफ्ट। कहते नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर दिस इन द जॉर्ज फ्रैंकलिन बुक। अभी तक इसकी एडजस्टमेंट ही नहीं हुई, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने डेबिट किया हुआ है। बैंक स्टेटमेंट में जो चीज डेबिट होती है आपके पास वो क्रेडिट हो रही होती है। तो इसके लिए जो एंट्री होगी वो आपके पास क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री वो उसने कहा है कि आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और आप सॉरी इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद देखें आपके पास जो नेक्स्ट है उसमें क्या कहा? उसने कहा अ चेक पेड टू पी जॉन्स ऑफ $350। ठीक है, कितने का चेक ने आपने दिया? और चेक पे किया पी जॉन्स को 350, वॉज एंटर्ड इन द अकाउंट्स एज 530। अब देखें ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, आप इसे एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास अ चेक पेड टू पी जॉन्स ऑफ 350 वॉज एंटर्ड इन द अकाउंट्स एज 530। जब आपने एंट्री की है तो एंट्री क्या की है? पी जॉन्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, आपने ज्यादा अमाउंट से एंट्री कर दी है। कितनी अमाउंट से ज्यादा है? 530 माइनस 350 करें तो आपके पास कितनी अमाउंट आती है? 180 का डिफरेंस आता है। कितने का डिफरेंस आता है? 180 का। तो पी जॉन्स अकाउंट जो है इसको आप क्रेडिट कर देंगे 180 से और बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे बाय 180। ठीक है, ये जर्नल एंट्री होगी। उसके बाद करेक्ट, उसके बाद उसने कहा है कि फाइव, कहता है चेक ऑफ $150 रिसीव्ड फ्रॉम वार्नर अ कस्टमर वॉज डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। उसने कहा एक चेक रिसीव किया आपने, तो चेक एंट्री होनी चाहिए थी आपने वार्नर से रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट बाय 150 एंड वार्नर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था बाय 150। कहता वॉज डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट तो ठीक है डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए था, डेबिट ही कर दिया। कहता है क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, तो बैड डेट से रिकवरी तो नहीं हो रही ना, ठीक है, क्रेडिट जो होना चाहिए था वो जो कस्टमर था वार्नर होना चाहिए था, उसका अकाउंट होना चाहिए था। तो बैड डेट्स अकाउंट जो बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है रॉन्गली उसे डेबिट कर दें, तो बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय 150 और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? वार्नर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 150। ठीक है, उसके बाद आपके पास ना एंटर्ड इन द परचेज जर्नल, ठीक है, एक सेल्स इनवॉइस थी जो आपने क्या किया, वो सेल्स इनवॉइस
इश्यू किया है जिमी को, 300 हैड बीन एंटर्ड इन द परचेज जर्नल, आपने उसे टोटली रिवर्स कर दिया, आपने सेल्स ट्रीट करनी थी, आपने उसको परचेजेस ट्रीट कर दी। तो आपके पास पहली चीज है कि परचेजेस अकाउंट रॉन्गली डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट कर दें, क्रेडिट करेंगे 300 से, सेल्स भी आपके पास रॉन्गली, सेल्स जो होना चाहिए वो क्रेडिट होना चाहिए करेक्टली, वो भी क्रेडिट करेंगे, और डेबिट में आपके पास जिमीज अकाउंट आ जाएगा। जिमी का अकाउंट अब दो दफा डेबिट होगा, ठीक है, तो आपने डबल अमाउंट से लिखना है, क्योंकि क्रेडिट में एक दफा आपके पास क्रेडिट सेल्स है, एक दफा क्रेडिट में परचेजेस है, तो डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसलिए जिमी अकाउंट डेबिट होगा, कितनी अमाउंट से डेबिट होगा, बाय 600, ठीक है, क्लियर है। उसने टाइप पूछी है एरर की, कौन कौन सी टाइप है, फर्स्ट टाइप जो है वो तो आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल है, दूसरे नंबर पर उसने स्टेशनरी परचेज की है और आप परचेजेस में लिख दिए हैं, ठीक है, दोनों ही इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, और ये एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है, सेकंड वाला, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। थर्ड जो है उसने क्या किया, आपने उसको ओमिट कर दिया है, बैंक ने आपको स्टेटमेंट भेजी है तो फिर अभी आप लिखने लगे हैं, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। फोर्थ में वो क्या है कि आपने चेक पे किया था पी जॉन्स को 350 का और लिखा था 530 का, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं इसे, ठीक है, और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसे कहते हैं। उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट, उसने कहा था फिफ्थ वाला, उसने कहा चेक 150 का आपने रिसीव किया है वार्नर से और उसको बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, तो ये जो एरर है ये भी आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल है। उसके बाद देखें आपके पास आता है सेल्स इनवॉइस वाला, जो लास्ट वाला एरर है वो कंप्लीट रिवर्सल है कि आपने जो चीज़ें परचे उसमें लिखनी थी सेल्स डे बुक में लिखनी थी वो परचेज डे बुक में जाके आपने रिकॉर्ड कर ली है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास आज का लेसन था, इंशाल्लाह कल हम आगे इसके साथ आगे फॉरवर्ड चलेंगे, जो हमारे पास इसके बाद एरर्स हैं और अगले क्वेश्चंस हैं, आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने और अगले क्वेश्चंस, ठीक है, फिर हम इनको कल डिस्कस करते हैं फर्दर क्वेश्चंस को, ठीक है, फिर कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है।